अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद आमना डॉट कॉम। मैं हूँ आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे किचन में बन रहा है नूडल सूप। नाम तो आपने सुना ही होगा, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आपको वो रेसिपी बनाना सिखा दूँ। तो नूडल सूप बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, आधा किलो मैंने चिकन लिया है हड्डी वाला, दो मीडियम साइज़ की कटी हुई गाजर ली है, इस तरह मैंने इसे काट लिया छोटा छोटा, दो दत अंडे लिए हैं, एक कटी हुई हरी प्याज दी है, दो जवे लहसुन के लिए हैं, एक अदरक का टुकड़ा लिया है जिसे मैंने चार हिस्सों में काट लिया है, नमक लिया 1 टीस्पून, शिमला मिर्च ली है एक अदद कटी हुई जिसे मैंने इस तरह से काटा हुआ है छोटा छोटा, आधी कटी हुई बंद गोभी ली है जिसे मैंने काट लिया है। नूडल्स लेंगे हम 1 कप, ग्राम्स में है ये 100 ग्राम, चिली सॉस लेंगे 1 टेबल स्पून, सोया सॉस लेंगे 1 टेबल स्पून, सिरका लेंगे 1 टेबल स्पून, काली मिर्च का पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून। एक बर्तन लिया, उसमें मैंने 10 कप पानी के डाल दिए और फ्लेम ऑन कर दी। फ्लेम हमने मीडियम रखी हुई है। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे, ये दो जवे लहसुन के और अदरक के टुकड़े और ये कटी हुई हरी प्याज और ये चिकन। तो अब इसे हम पकाएंगे तकरीबन तब तक जब तक इसमें से 6 कप न रह जाएं। 10 कप हमने पानी के डाले हैं, 6 कप रह जाएंगे तो हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और यखनी को छान लेंगे और फ्लेम हम मीडियम रखेंगे, मीडियम फ्लेम पे से पकाएंगे। तो आधा घंटा हो चुका है, हमने 10 कप पानी के डाले थे तो 6 कप रह गए हैं। अब इसको हम गोश्त को निकाल लेंगे, चिकन को निकाल लेंगे इस तरह का छानने से। ये देखिए अदरक और लहसुन और जो हमने कटी हुई हरी प्याज डाली थी वो भी आ गई साथ में। अब इसको हम निकालेंगे इस बाउल में, तो सारा कुछ हमने निकाल दिया है, जो चिकन है उसे हम अलग कर लेंगे और हड्डियों को फेंक देंगे। और इसमें हम डाल देंगे कटी हुई गाजर, साथ ही बंद गोभी और ये शिमला मिर्च और साथ ही नूडल्स, मिक्स कर लेंगे और इसे 10 मिनट के लिए पकने देंगे मीडियम फ्लेम पे ही। 10 मिनट के बाद नूडल्स भी हमारे तैयार हो जाएंगे और चिकन को हम रेशा रेशा कर लेंगे। तो चिकन में से जितना भी अदरक और लहसुन और प्याज था वो मैंने निकाल के साइड पे कर दिया है और चिकन के हम पीसेस कर लेंगे। ज़रा मोटा मोटा रखेंगे, ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे। तो मोटे मोटे पीसेस में हम चिकन को कर लेंगे। तो चिकन के हमने सारे रेशे कर लिए, हड्डियों को अलहदा कर लिया है। अब इसे हम सूप में डाल देंगे, तो ये इसमें डाल देंगे, मिक्स करेंगे। तो ये देखें नूडल्स भी हमारे बॉयल हो गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, सोया सॉस, चिली सॉस, मिक्स करेंगे। तो मैंने जो चिकन नूडल सूप बनाया वो ज़रा डिफरेंट तरीके से बनाया है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप अपने तरीके से बना सकते हैं, लेकिन मैंने ज़रा थोड़ा हट के बनाया है। तो अब हम इसमें अंडे तोड़ के डालेंगे। अंडों की सिर्फ हम सफ़ेदी डालेंगे, जर्दी नहीं डालेंगे। तो अंडों को हम तोड़ लेंगे, तो सफ़ेदी को निकाल लेंगे और जर्दी को अलहदा कर लेंगे। तो ये मैंने जर्दी को अलहदा कर लिया। अब दूसरे को भी इसी तरह तोड़ लेंगे और अब इसे डाल देंगे सूप में, अंडों को डालेंगे और साथ साथ चम्मच चलाएंगे। तो सारे अंडे हमने डाल दिए और अब इसे मिक्स करेंगे और फ्लेम हमने मीडियम ही रखी हुई है। तो ये सूप हमारा तैयार हो गया। लास्ट में हम इस पे सिरका डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। तो ये सूप हमारा रेडी है, इसे हम निकाल लेंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब इसे सूप कप में निकाल लेंगे। तो तैयार है हमारा चिकन नूडल सूप। यकीनन आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। तो अगर आपको ये नूडल सूप की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और इस बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने अभी तक लाइफ विद आमना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन पे क्लिक करके उसे सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आने वाली मेरी हर रेसिपी और हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। अल्लाह हाफिज़।